डियर स्टूडेंट, क्लास ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम में अपना चैप्टर थर्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल चल रहा था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल के पार्ट 7 कंप्लीट हो चुके, जिसमें हमने पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ चार्जेज पढ़ लिया। और पार्ट 8 में वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड टॉपिक है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर। लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी। लेट अस कंसीडर ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस क्यू प्लस क्यू, यह आ गया पी वेक्टर। ओके, द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर इज थीटा। इन दिस सिचुएशन टॉर्क एक्ट ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज टो इक्वल टू पी ई साइन थीटा। दिस इलेक्ट्रिक डाइपोल, दिस टॉर्क रोटेट इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड ट्राई टू पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ट्राई टू पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इसको रोटेट करके ऐसे लाना चाहता है और इसके अगेंस्ट में ये एंगल डी थीटा, देन वर्क डन ए डेस बी डेस। द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल by small angular displacement d theta. The work done in rotating electric dipole by small angular displacement d theta against टॉर्क इज इन रोटेशनल मोशन, वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वर्क इज इक्वल टू टॉर्क इनटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, टॉर्क टो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा। टो की वैल्यू पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा, इक्वेशन सेकेंड। ओके, द वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू एंगल
थीटा टू, ये एंगल थीटा वन हो गया। ए डबल डैश बी डबल डैश थीटा वन, थीटा वन थीटा टू, ए ट्रिपल डैश बी ट्रिपल डैश, द टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम, इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा वन टू थीटा टू। इक्वेशन सेकंड, इंटीग्रेट बोथ साइड, थीटा वन टू थीटा टू, पी ई साइन थीटा डी थीटा, इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन डब्ल्यू, पी ई आ गया बाहर, साइन थीटा का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कोस थीटा, और लिमिट हो गई थीटा वन टू थीटा टू। पहले आप कौन सी लिमिट पुट करेंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे, और अपर लिमिट पुट करेंगे तो कोस थीटा टू आ जाएगा, लोअर लिमिट पुट करते समय साइन माइनस का आता, माइनस माइनस प्लस हो गया, पी ई कोस माइनस कोस थीटा टू प्लस कोस थीटा वन, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई कोस थीटा वन माइनस कोस थीटा टू, और ये इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड हो गया। ओके, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डायपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन टू एनी एंगल थीटा, द वर्क डन इन रोटेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन थीटा वन इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम पोजिशन थीटा वन इक्वल टू जीरो टू एनी एंगल थीटा, एनी एंगल थीटा टू इक्वल टू थीटा। तो थीटा वन के स्थान पर तो आप क्या पुट कर दें, जीरो, थीटा टू के स्थान पर थीटा पुट कर दें इन इक्वेशन थर्ड, W इक्वल टू पी ई कोस जीरो माइनस कोस थीटा, W पी ई वन माइनस कोस थीटा, ये इक्वेशन फोर्थ, इक्वेशन क्या हो गया, फोर्थ। स्पेशल केसेज, फर्स्ट स्पेशल केसेज क्या है, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन टू राइट एंगल, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजिशन टू राइट एंगल, इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट, इलेक्ट्रिक डाइपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम
पोजिशन, टू राइट एंगल, थीटा इक्वल टू नाइंटी और डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस 90 और कोस 90 की वैल्यू 0, तो आंसर क्या आ गया, पी ई आ गया, आंसर है पी ई आ गया राइट एंगल। सेकंड केस, इफ ए इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180, इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180, इफ इलेक्ट्रिक डायपोल रोटेट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन टू 180 डिग्री, डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस कोस 180, कोस 180 की वैल्यू माइनस 1 और माइनस 1 हो गया, तो डब्ल्यू इक्वल टू पी ई 1 माइनस माइनस प्लस 1 और ये आ गया 2 पी ई। ओके, ये आपका टॉपिक कंप्लीट हुआ। कुछ न्यूमेरिकल्स हैं वो अपन करेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन चार्जेज -1 माइक्रो कूलम एंड +1 माइक्रो कूलम -1 माइक्रो कूलम एंड +1 माइक्रो कूलम इज 4×10⁻¹⁴ मीटर, इज 4×10⁻¹⁴ मीटर ऑफ ए डाइपोल, कैलकुलेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एक्सियल पॉइंट which at a distance of 2×10⁻¹ meter. Okay, answer, distance between -1 microcoulomb and +1 microcoulomb is 4×10⁻¹⁴ meter, denoted by 2A, distance between charges of electric dipole. 2A equal to 4×10⁻¹⁴ meter, R equal to 2×10⁻¹⁶ meter, और charge Q equal to 1 microcoulomb, 1×10⁻¹⁶ coulomb, तो P
वी इक्वल टू एट एक्सियल पॉइंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल के पी बाई आर स्क्वायर और P इक्वल टू के क्यू इंटू टू ए बाई आर स्क्वायर और K की वैल्यू 9 इंटू टेन रेस टू 9, Q की वैल्यू 1 इंटू टेन रेस टू माइनस 6 और 2A की वैल्यू 2 इंटू टेन रेस टू माइनस नहीं 4 इंटू टेन रेस टू माइनस 14 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर 2 इंटू टेन रेस टू माइनस 6 2 इंटू टेन रेस टू माइनस 6 2 इंटू टू 4 4 से 4 कैंसिल 10 रेस टू माइनस 6 से 10 रेस टू माइनस 6 कैंसिल 10 रेस टू माइनस 6 ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा 9 प्लस 6 15 हो गया 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट करोगे आप तो ये आ गया 9 इंटू 10 इक्वल टू 90 वोल्ट। क्वेश्चन सेकंड है व्हाट वर्क हैज टू बी डन टू प्लेस चार्जेज ऑफ प्लस क्यू चार्जेज ऑफ प्लस क्यू प्लस टू क्यू एंड प्लस फोर क्यू आर प्लेस्ड एट वर्टेक्स ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड स्मॉल ए ये क्वेश्चन है अपना इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए ए बी सी इज इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड ए ये साइड ए प्लस क्यू सेकेंड चार्ज प्लस टू क्यू थर्ड चार्ज प्लस क्यू फोर क्यू हो गया वर्क डन इज स्टोर्ड इन पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेज इज गिवन बाई के क्यू वन क्यू टू बाई आर वन टू प्लस के क्यू टू क्यू थ्री बाई आर टू थ्री प्लस के क्यू थ्री क्यू वन बाई आर थ्री वन नाउ सिंस आर वन टू ये डिस्टेंस आर टू थ्री ये डिस्टेंस आर थ्री वन ये डिस्टेंस और दीज थ्री डिस्टेंस आर इक्वल तो आर वन टू इक्वल टू आर टू थ्री इक्वल टू आर थ्री वन इक्वल टू ए ए ए तो ये आ गया ए तो डब्ल्यू इक्वल टू के क्यू वन की वैल्यू क्यू क्यू टू की वैल्यू टू क्यू बाई ए प्लस के टू क्यू फोर क्यू बाई ए प्लस के फोर क्यू क्यू बाई ए डब्ल्यू इक्वल टू टू के क्यू स्क्वायर बाई ए टू इंटू फोर एट के क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस फोर के क्यू स्क्वायर बाई ए एट एंड टू टेन टेन प्लस फोर फोर्टीन तो डब्ल्यू इक्वल टू फोर्टीन के क्यू स्क्वायर बाई ए इसका आंसर हो गया। थर्ड क्वेश्चन
क्वेश्चन थर्ड, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट एक्स वाई इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय वी इक्वल टू सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ओके, फर्स्ट है आंसर, ए एक्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, माइनस डी बाई डी एक्स वी हो गया सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस सिक्स एक्स वाई, एक्स का एक्स रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हो गया वन तो माइनस सिक्स वाई, वाई स्क्वायर का डिफरेंशियल हो गया जीरो और माइनस माइनस हो गया प्लस, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल एक्स के रेस्पेक्ट में हो गया टू एक्स, आंसर हो गया टू एक्स माइनस सिक्स वाई माइनस सिक्स एक्स वाई। ई वाई, वाई कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस डी वी बाई डी वाई माइनस डी बाई डी वाई सिक्स एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया 1 तो माइनस का 6x और y का y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन हो गया 2y तो माइनस 2y माइनस कॉमन 6x प्लस 2y ez माइनस dv by dz माइनस d by dz 6xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ जेड पर कोई टर्म नहीं है तो इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो गया जीरो, जीरो हो गया तो ई वेक्टर इक्वल टू ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप इक्वल टू ई एक्स की वैल्यू 2x माइनस सिक्स वाई आई कैप माइनस सिक्स एक्स प्लस टू वाई जे कैप और आगे वाला जीरो हो गया। क्वेश्चन फोर्थ, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी एनर्जी ऑफ टू प्रोटॉन्स, टू प्रोटॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट विच आर सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम, बाई ए डिस्टेंस ऑफ वन एंगस्ट्रॉम। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऑफ टू चार्जेज इज गिवन बाई यू इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाई आर, सिंस चार्ज ऑन प्रोटॉन्स क्यू वन इक्वल टू क्यू टू इक्वल टू वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन रेस टू माइनस नाइनटीन कूलम, डिस्टेंस बिटवीन देम इज वन एंगस्ट्रॉम
और 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 10 मीटर. पुट द वैल्यू इन गिवन फॉर्मूला u इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस टू 9, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 और 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 10. ये तो आ गया जूल में, किस में आ जाएगा ये जूल में. और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालेंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 जूल होता है. तो U इक्वल टू 9 इंटू 10 रेस टू 9, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 इंटू 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 10 रेस टू माइनस 10, 1.6 इंटू 10 रेस टू माइनस 19 से डिवाइड कर दिया. ये इसे कैंसिल आउट हो गया. ये प्लस का 9 और माइनस का 19, माइनस का 10 बच गया, माइनस के 10 से ये कैंसिल हो गया. और 9 को 1.6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 14.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके.